भैया देखो, ये देखो राइट देखो आ रही है आगरा की। ग्रुप वगैरह में जिसमें हम नहीं ऐड हैं उसमें गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे बारे में बुराई करते हैं। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद कर लेते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज तारीख होगी 3 अप्रैल 2024, सुबह के बजने वाले हैं भाई 11 और हम खड़े हैं पीपल महाराज के पास में अड्डे पे। हम तीन लोग हैं भाई, वो आकाश की गाड़ी, ये विशेष की गाड़ी भाई, ये रही हमारी वो रही, और हमारे पास राइड आ चुकी रही, इन दोनों के पास अभी नहीं आई, किस्मत का खेल है। देखो ये राइड आई भाई अनुराग यादव, लेकिन नाम नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 11:15 का पिकअप है, मकड़ी खेड़ा CNG पंप से पिकअप है भाई। 11:15 बचे हैं। ये देखो भाई कुछ बिल है इसका, 93 किलोमीटर है, लखनऊ का जाएंगे, लखनऊ कानपुर लखनऊ। ये कैसा एड्रेस लिखा है बे? लखनऊ कानपुर फिर लखनऊ, लखनऊ हाईवे। अच्छा, हाईवे होगा। दूरी 93 किलोमीटर है, ये लगभग जो है एयरपोर्ट से अंदर जाएंगे, एयरपोर्ट हमारे यहाँ से 85 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से अंदर जाएंगे। अभी जरा फ़ोन मिला रहे हैं भाई, ये भाई साहब ये फ़ोन नहीं उठा रहा यार, समय पे साहब का उठा, इनसे क्या बता। अरे कितना समय ऐसे होते हैं ना जो अपने, हाँ तो हम कौन सा कैंसिल कर रहे हैं, हम तो वेट कर ही रहे हैं ना, बिल जा रही लेकिन उठा नहीं रहे हैं। 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी एक बार भी बार नहीं उठाया, शायद उठा लें और बातचीत हो जाए तो भाई अच्छी बात है, टाइम से जाएंगे टाइम से आ जाएंगे, नहीं तो क्या देर में जाओ देर में फिर मिलती नहीं है। ये देखो बिल जा रही है, फ़ोन नहीं उठ रहा है भाई, और हमारे अड्डे पे इस समय कम लोग आ रहे हैं भाई, इस तरह का है कुछ हिसाब किताब। अपनी गाड़ी देखो भाई सबसे अलग ही दिख रही है, गाड़ियाँ इतनी हैं 3 थे लेकिन सबसे अलग अपनी गाड़ी। भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, पूरी बिल जा रही है, फ़ोन कट गया लेकिन उठाया नहीं भाई ने, करेंगे वेट 11:15 बजे तक, 11 बज गया, 15 मिनट बाद फिर देखेंगे, हो सकता है तब तक कस्टमर का फ़ोन आ जाए और नहीं फिर कैंसिल करना पड़ेगा, कस्टमर खुद ही कैंसिल करेगा, देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसमें। भैया बुकिंग हो गई वो कैंसिल, पूरा हटा के दोबारा कैंसिलेशन भी नहीं मिला भाई, बहुत बुरी हालत है। हम लोग पंगत में बैठे हुए हैं, अभी पतरी उतरी आएगी, भात है, दाल है, चावल है, मिठौरी है, कारे आलू की मिठौरी थोड़ी बनती है, नहीं आलू की मिठौरी साथ में, हाँ आलू मिठौरी, हाँ। तो भाई हम लोग कर रहे हैं वेट और बुकिंग देखो ऐसे ही आ रही है भाई, सर्वोदय नगर, ये तो सही था वहाँ जाएगा ये। अच्छा थाली मिलती है ना इंदिरा नगर में? हाँ 321 की एयरपोर्ट, नहीं नहीं हमें उठाना ओला किया तो उठाना, समझे, छोटी मोटी बुकिंग नहीं करते हैं भाई। 321 में यार फिर फायदा क्या है यहाँ से जाने का, पास करो भाई, रेंटल किसी के पास नहीं है, सबके फालतू की बुकिंग आ रही है, आउटसन किसी के पास नहीं आ रही। तो भैया फाइनली बुकिंग हमारे पास आ चुकी है ओला में, हालांकि मिनी की है लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए पिकअप के लिए, अड्डे पे खड़े थे, यहीं अंदर ऑर्बिट से पिकअप है सी ब्लॉक से, और ब्लॉक के हम सामने खड़े हैं। ये भाई कुछ बिल्डिंग है, ये देखिए कस्टमर का नाम है अनुराग दीक्षित, इनसे बात हो चुकी है, यहाँ से पिकअप है और इसका ड्रॉप लोकेशन भाई देखते हैं, ये चारबाग स्टेशन 94 किलोमीटर, 1780 रुपये दिख रहा है इसमें, तो कुछ इस तरह का है भाई हिसाब किताब। और पिकअप जो है तुरंत का था तो हमने ट्रेन लोकेट दबा दिया है, अभी 3:15 बजे का पिकअप है, 3:06 हुआ है, मतलब अभी इनके पास 9 मिनट हैं जब तक कस्टमर आ ही जाएगा, तो अच्छा कस्टमर हमें लग रहा पीछे खड़ा है भाई हमारे, चलते हैं, शायद हो सकता यही हो, अगर यही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा फिर नहीं, वो तो फिर कस्टमर नहीं है, वो होंगे तो हमारे खुद ही फ़ोन करेंगे, देखते हैं, यही है कि दूसरे हैं, बंद कर लेते गाड़ी और इंतज़ार कर रहे हैं। भाई दो बुकिंग फाइनली आने के बाद, दो फर्जी थी कैंसिल हो गई, ये तीसरी बुकिंग आई हुई है, अब तीसरी लेके जाएंगे यहाँ से पिकअप करके, तो भाई अब एकदम तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर कस्टमर 10-5 मिनट में आ ही जाएंगे और फिर निकलते हैं भाई फटाक से यहाँ से, तो ठीक है बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, करते हैं वेट।
कस्टमर जैसे आएगा लेके निकलेंगे, फेयर वगैरह क्या बनेगा वो सब लास्ट में बताएंगे, ईंधन वगैरह क्या लगेगा। ईंधन तो भाई देखो सुबह से हम जीरो किए थे, हमारे घर से अभी तक 11 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ईंधन एकदम ख़त्म है, पेट्रोल सीएनजी सब कुछ ख़त्म है भाई, डराना पड़े। हालांकि पेट्रोल भी मेन में है, चल जाएगी 40-50 किलोमीटर, और सीएनजी 2-4-10 किलोमीटर चल पाएगी भाई, यहीं मकड़ी खेड़ों में भरा देंगे भाई कस्टमर को बैठाते ही। सबसे पहले भराएंगे सीएनजी, सीएनजी भराने के बाद फिर इधर से निकलेंगे। तो करते हैं वेट, फिर बताते हैं आपको। तो भैया आ गए हैं लखनऊ में, लखनऊ में चार बाग स्टेशन कस्टमर को ड्रॉप किए हैं, अब ड्रॉप करने के बाद एकदम फ्री हो गए हैं। अब आपको हम डिवाइस दिखाते हैं जो कि हमारा फेयर वगैरह बना हुआ है, वो भाई एक राइड में, एक लोकल की थी छोटी सी घर से आ रहा था मिल गई थी, तो दो राइड में 1395 रुपये हुआ है, टोल अलग से मिला हुआ है भाई, जो कि इसी में ऐड है, वो ऊपर नहीं शो कर रहा है। तो चार बाग का दिखाते हैं भाई आपको हिसाब किताब। ये रहा भाई स्टेशन मेन, और कस्टमर को यहीं पर पीछे ड्रॉप किया है भाई, और ये रहा मैं भाई। अब देखते हैं इधर से कितनी देर बाद हमें राइड मिलती है और कितनी देर बाद हम यहाँ से जा पाते हैं ओला उबर वन वे। अब सारी ऐप हम खोल लेंगे, यहाँ से वही एयरपोर्ट की साइड कोई मिलेगी तो निकल जाएंगे, नहीं मिलेगी तो यहीं पे खड़े होकर वेट करेंगे। और फिलहाल तो अभी तो कुछ उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि सारा कुछ एकदम जो है डिवाइस एकदम अपनी शांत है। अभी खोलते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बताते हैं, कोई बुकिंग जैसे ही आएगी वैसे बताएंगे। गाड़ी जो हमारे घर से अभी तक चली है भाई वो 108 किलोमीटर चली है टोटल, और इस राइड में 98 किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर हम पहले ही चला के आए थे, 10-11 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह का है भाई हिसाब किताब, सीनरी वगैरह जो है ये सब ज़्यादातर लखनऊ की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट भाई, क्योंकि यहाँ पे खड़े रहने से कोई मतलब है नहीं, वो इंडियन फ्लैग अपना लगा हुआ है, हालांकि हवा नहीं चल रही है तो इस वजह समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है भाई, आप कीजिए वेट और हम भी करते हैं वेट कोई बुकिंग आने का, जैसे कोई बुकिंग आई कानपुर के निकलेंगे, जो भी अर्निंग वगैरह होगी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आप लोग लगातार इसी तरीके प्यार बना रखिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भाई हमारे नए हों वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है भाइयों, आपको जो है ओला उबर से जो भी अपडेट वगैरह आएंगी सारी जानकारी आपको मिलेगी, राइड वगैरह कैसे क्या करना है, कैसे क्या कस्टमर से पेमेंट वगैरह लेना है, कितना क्या बचत है, सारी डिटेल आपको इसी में मिलेगी। तो भाइयों आप चलते हैं थोड़ा सा आगे के साइड में, ठीक है ना। तो ये कुछ रहा भाई अंग्रेजों के जमाने का है, तो एकदम वही वाला लुक है सब कुछ लाल लाल ही है यहाँ पे तो जो है। भैया देखो ये देखो राइट देखो आ रही है आगरा की, ये सीन समझो भाई, 11 किलोमीटर दूर से पिकअप है, लेकिन फर्जी होगी हमारे हिसाब से, तो फिर भी इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि फालतू जाने से तो अच्छा है कि इसको एक्सेप्ट करके देखा जाए। सिर्फ ठाकुर जी नाम है इनका, और नियर आई आई एम कॉलेज मुबारकपुर लखनऊ, ठीक है इनका देख लेते हैं। देखते हैं पिकअप इनका 6:30 बजे का है, ठीक है अभी बज रहे हैं 6:11, आगरा उत्तर प्रदेश सिर्फ डाल रखा है, रेगुलर पूरा लोकेशन नहीं डाल रखा है। और भाई 333 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 7,724 रुपये बिल था भाई, लेकिन इन्होंने क्या किया कर दिया भाई कैंसिल। चलो कोई बात नहीं भाई, हम फिर से वेट करेंगे। तो बुकिंग हो गई कैंसिल भाई, फर्जी बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है, पहली ही बुकिंग फर्जी थी, कोई बात नहीं वेट कर रहे हैं, ओला उबर वन वे सब कुछ खोल रखा है, जिसकी भी राइड आएगी यहाँ से लेके फटाफट निकलेंगे, नहीं तो यहाँ फर्जी ही बचती रहेंगी भाई। अब देखते हैं जेन्युइन कितनी देर के बाद आती है। और भाई यहाँ लाइन ही लाइन लगी हुई है ओला की गाड़ियों का, देखो पीछे भी है दिख रहा होगा, हाँ एक इधर बगल में भी खड़ी है और आगे खड़ी हुई है, वो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जगह मिला है भाई, तो यहाँ पे गाड़ी लगा लिए हैं साइड में आराम से, चार बाग से बाहर निकलने के बाद फैजाबाद की तरफ मुड़ के बुकिंग आ रही है आप देख सकते हो, और दूसरी आ रही है इलाहाबाद की देवघाट की, वाह भाई वाह, ये भी फर्जी ही होगी भाई। चलो उठा लेते हैं, ये चौधरी चरण सिंह की एयरपोर्ट की है और 6:15 की ये भी है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, 6:16 देखो अभी करंट का टाइम है और भाई पिकअप हमको दे रहे हैं 6:15 का, कैसे पॉसिबल है भाई, 6:16 टाइम हो रहा है 6:15 का पिकअप है, गजब है भाई। ये लो ये भी कैंसिल हो गई, इसकी तो डिटेल भी नहीं चेक कर पाए,
एयरपोर्ट से ये भी बुकिंग आई हुई थी, तो क्या किया जा सकता है। बका ये देखो वन वे कैब को खोल के रखा है, कोई एयरपोर्ट साइड की होगी भाई तो निकल जाएंगे भाई, दो बार बच चुकी है, ऐसा कुछ सिस्टम है। चलो कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं, जेन्युइन भी आएगी अच्छी भी आएगी, जब अच्छी आएंगे तब आपको दिखाएंगे। दो बुकिंग हो चुकी हैं, एक आगरा की एक इलाहाबाद की, गिनते रहिएगा कितनी बुकिंग हमारी टोटल होती हैं, ठीक है ना भैया। वन वे में बुकिंग आ रही है, आप लोग देखो ये पिकअप है 1.5 किलोमीटर का और छोड़ने जाना है 3549 किलोमीटर, और फेयर दिखा रहा भाई 3500 रुपये, नहीं 354 किलोमीटर का, और लोकल में बुकिंग इसने डाल रखी भाई। अरे यार इन ड्राइवर वो भी चला गया, चलो अब क्या ही आएगा। तो भैया लौट के आ गए हैं कानपुर, कानपुर के साकेत नगर में आए, कस्टमर को ड्रॉप किए, प्राइवेट बुकिंग थी भाई। हुआ कुछ ऐसा कि वहां से जब खड़े थे चारबाग में तो एक ओला में आउटसन की बुकिंग आई है जो कि पिकअप था एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे भाई डोमेस्टिक पे था, मतलब सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पिकअप था जो कि शायद 3 नंबर बोलते हैं शायद, हाँ या 1 नंबर बोलता हूँ, जो नया वाला बना हुआ है अभी, पहले पुराना था पूरा टूट के एकदम नया बना हुआ है, इंटरनेशनल उसको बना दिया। तो वहाँ से पिकअप था भाई, अब जाना था हमको अराइवल पे, तो भाई ऊपर चढ़ा दिया, चले गए डिपार्चर पे। वहाँ पहुँच गए तो कस्टमर बोल रहा मैं अराइवल पे खड़ा हूँ, हमने बोला अच्छा यार, फिर आगे से यू टर्न मार के आए, पहली बार गए थे भाई तो गोल गोल घूमते रहे, कस्टमर ने बुकिंग कर दी कैंसिल। ये देखो कैंसिलेशन हमको चार्ज मिल चुका है। लाइट पर भी भाई दिखा रहा नहीं दिखा रहा, 67 रुपये, हाँ ये देखो 67 रुपये, और जो टोटल फेयर जो हमारा हुआ है दो राइडों का, और जिन कस्टमर को हम लेके आए हैं वो भाई 1600 रुपये उनसे हमने लिए हैं, प्राइवेट लेके आए उनको, और उसी में टोल इंक्लूड था और 150 रुपये पार्किंग शुल्क भी इंक्लूड था, जो कि ये है हमारा, ये आपको दिखा देते हैं जो हमारा पार्किंग शुल्क है कुछ इस तरह का है भाई, 150 रुपये लेते हैं जिससे प्राइवेट हो गया है, पिकअप चार्ज को जो बोलते हैं। ये देखो भाई 150 की रसीद काट के दी है, और गाड़ी नंबर कहाँ मेंशन है यार, देखते हैं देखते हैं देखते हैं भाई, तारीख तो दिया है 3/4/2024, ठीक है, और यार गाड़ी नंबर तो यार कहीं दिया ही नहीं है, वैसे देना चाहिए। अब पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, गाड़ी नंबर नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं, आपको हम बता दें कि जो हमारा जो है कमाई का ब्यौरा है वो हम आपको दिखा दें, कहाँ गया भाई, हाँ ये भाई तीनों रेडी, ये कैंसिलेशन का है आउट स्टेशन का, ठीक है, अमौसी देखो लिखा हुआ है, यहाँ से पिकअप था हमारा, उसके पहले जो मुबारकपुर ये कुछ लिखा हुआ है जो कि हम चारबाग के पास में थे, ये बुकिंग आई थी प्रयागराज की, उससे पहले ये आई थी आगरा की, ये अमौसी से थी, और ये वाली बुकिंग हम इधर से ले गए थे और ये 86 रुपये लोकल की मारी थी, तो कुल मिला के 1662 रुपये, 1462 रुपये ये हो गए भाई, और 1600 रुपये प्राइवेट किया है, हालांकि 150 वो ये रिसिप्ट वाले पार्किंग का और 100 रुपये टोल का, 250 रुपये हटा देंगे तो भाई 1450 वो होते हैं, 1450 ये लगभग, तो कुल मिला के 2900 रुपये होते हैं। अब 2900 रुपये में 900 रुपये निकाल देंगे खर्चे के लिए, बचत अपने निकालेंगे भाई 2000, जो कि हमारा डेली का टारगेट है कि 2000 रुपये हम डेली का बचत निकालेंगे। तो भाई आपको बता दें कि हमारे को जो है जलने वाले लोग भी पैदा हो गए, अभी चैनल इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, कई सारे लोग हैं गलत कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने थंबनेल में लगाया है 1,00,000 रुपये महीने कैसे कमाएं, हमने कहा भैया थंबनेल में लगाने की बात दूसरी है, जो मैं दिखाता हूँ जेन्युइन दिखाता हूँ, 2000 रुपये डेली बचत का मेरा टारगेट, उससे प्लस ही होता है उससे माइनस नहीं होता है, आप भी जानते हो लखनऊ आना लखनऊ जाना है भाई, 206 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है, ये देखो 10 बजने वाले हैं, ठीक है, अभी मैं साकेत नगर में खड़ा हूँ, अब 206 किलोमीटर में 900 रुपये मैं CNG निकाल रहा हूँ, जबकि CNG भाई बहुत ज़्यादा 600-700 रुपये लगती, इससे ज़्यादा लगती नहीं है, ठीक है ना,
600 रुपए हद से हद 700 रुपए, लेकिन मैं 900 रुपए निकाल रहा हूँ क्योंकि 2000 ही में बचत करनी है, उससे ज्यादा बचत में नहीं डालने हैं। तो कुछ लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं और गलत ग्रुप में अफवाह भी फैला रहा है कि विनय भाई झूठ बोलते हैं। तो क्या होता है ना, चैनल बड़ा होने लगता है यूट्यूब, तो लोग कुछ अच्छे भी मिलते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, जो लोग लाइक कमेंट करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो जलते हैं भाई, उसके कई कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं बोले कि हर आदमी हमारी तरीके अर्निंग कर सकता है भाई, हमारे से भी अच्छे अर्निंग करने वाले लोग हैं हमारे कानपुर में ही। मैं तो 2000 का डेली का टारगेट है, ऐसे ऐसे बंदे भाई 2-2, 2.5-3 हजार की डेली की अर्निंग दिखाते हैं वो लोग और करते हैं वो। हाँ, यही हमारी ऑप्शन ना है भाई, लोकल में चला है तो हमें 1000 रुपए भी बचाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 1000 में लोकल में मैं चलाता नहीं हूँ, इसलिए 1000 बचेंगे भी नहीं। तो कहने का मतलब ये, जैसे सफलता मिलती जाएगी भाई, वैसे वैसे जो है दुश्मन पैदा होते जाएंगे। तो बहुत से हमारे दुश्मन हैं जो पैदा हो गए हैं, और उनसे ज्यादा हमारे दोस्तों की संख्या है जो कि हमारे सब्सक्राइबर के रूप में और भी हमारे यार दोस्त हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जलने वाले जलते रहें, काम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान की दुआ से YouTube चैनल से भी हमारी पेमेंट आने लगी है, अर्निंग हमारी अच्छी हो ही रही है। यही सब देख के कुछ लोग हैं जो हम पे जलते हैं, ग्रुप वगैरह में जिसमें हम नहीं ऐड हैं उसमें गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे बारे में बुराई करते हैं। हालांकि उनको हम अपने स्तर से समझा दिया है, और जब मिलेंगे तो उनको और भी अच्छी तरह समझा देंगे। अब उनके लिए क्या ही किया जा सकता है जलने वालों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।